हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट पाथवे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ट्रांस इसको अगर हम तोड़ेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है, जैक क्या है, स्टेट क्या है। ओके सो सबसे पहले देखिए लर्न करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है। ट्रांस मेम्ब्रेन जो है, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मींस जो भी हमारा रिसेप्टर होगा वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होगा। सपोज करिए कि ये जो है हमारी साइड है, ओके सो दिस इज बेसिकली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस साइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड दिस साइड इज इंट्रा सेलुलर साइड। ओके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड और इंट्रा सेलुलर साइड। ओके सो रिसेप्टर जो है हमारा दोनों तरफ मौजूद होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड इंट्रा सेलुलर साइड एंड दिस इज द बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो व्हिच इज इंटरकनेक्टेड विद दिस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन। देन फर्दर वी हैव अ जैक एंड देन स्टेट। सो अब देखिए जैक क्या है और स्टेट क्या है, इसको समझिए पहले। ये जैक एंड स्टेट पाथवे के कंपोनेंट है। सो जैक की जब इनिशियल डिस्कवरी हुई थी तो जैक का मतलब था Just another kinase. उसी से जो वर्ड आया JAK। ओके देन फर्दर इसका नाम रखा गया जैनस काइनेज। काइनेजेस मैं इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि काइनेजेस का मतलब होता है जो कि ऐसे प्रोटीन जो कि फास्फोराइलेशन कर सकते हो। ओके बट जैनस नाम कहाँ से आया? जैनस नाम आया है रोमन गॉड से, जो कि बिगनिंग एंडिंग एंड ड्यूअलिटी की जिनके अंदर पावर हो। सो वहां से जैनस नाम आया है। सो देखिए जैक की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं पहले। सो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में यहाँ पर रिसेप्टर है, अगर देखिए ये इसके दो पार्ट हैं। सो वन रिसेप्टर में दो चीजें हैं, वन इज जैक बाइंडिंग रिसेप्टर। ओके दिस इज व्हाट जैक बाइंडिंग रिसेप्टर एंड देन फर्दर वी हैव अ जैक इन द रिसेप्टर। सो दो चीजें समझेंगे कि जैक क्या है और जैक बाइंडिंग रिसेप्टर क्या है। अगर जैक बाइंडिंग रिसेप्टर की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैक बाइंडिंग की स्ट्रक्चर को देखिए, ये मैंने आपके लिए इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। सो देखिए इनिशियल जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट करेगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंड ड्रग जो भी होगी हमारे पास में आएगी उसको बाइंड करेगा। सो दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जो कि ड्रग को बाइंड करता है। देन फर्दर वी हैव अ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हमारे पास में कौन सा हो गया? दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ओके दिस इज व्हाट अ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, क्लियर। देन थर्ड वी हैव अ जैक बाइंडिंग साइट। सो हियर वी हैव अ दिस इज व्हाट बेसिकली अ जैक बाइंडिंग साइट। दिस इज पर्टिकुलरली जैक बाइंडिंग साइट एंड देन फर्दर वी हैव अ फास्फोराइलेशन साइट। सो दिस इज व्हाट अ फास्फोराइलेशन साइट। ओके सो ये तो स्ट्रक्चर होगी जैक बाइंडिंग रिसेप्टर की। फर्दर आप स्ट्रक्चर देखिए जैक की। अगर जैक की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जैक में हमारे पास में चार डोमेन है। द फर्स्ट डोमेन इज नॉन एज FERM फर्म, देन सेकेंड डोमेन इज SS2 डोमेन एंड थर्ड डोमेन इज वी हैव अ काइनेजेस। सो काइनेजेस में हमारे पास में दो डोमेन है। ओके सो ये बेसिकली दे आर नियर बाय आइडेंटिकल फॉस्फेट ट्रांसफरिंग डोमेन। ओके सो बेसिकली द वन डोमेन इज अ नॉन कैटालाइटिक, वन डोमेन इज अ नॉन कैटालाइटिक एंड द अनदर डोमेन इज अ कैटालाइटिक। ओके सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द जैक स्ट्रक्चर, क्लियर। नाउ लुक एट द स्टेट। स्टेट नाम कैसे आया? स्टेट इज अ सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। सो अगर आप स्टेट की स्ट्रक्चर आप देखोगे, सो स्टेट की स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट। नाउ दिस इज NS2 टर्मिनल एंड दिस इज द COOS, सो C टर्मिनल। सो NS2 टर्मिनल डोमेन, द फर्स्ट डोमेन विद इन द स्टेट स्ट्रक्चर इज N टर्मिनल डोमेन। देन सेकेंड वन इज विच N टर्मिनल डोमेन इज कनेक्टेड विद द कॉइल्ड कॉइल and then coiled coil is further connected with the DNA binding domain and then DNA binding domain is linked with another domain that is a linked domain and then linked domain is connected with the SS2 domain and then finally SS2 domain is further connected with the C terminal domain which having a C terminal transactivation. Okay, now individually
हर एक डोमेन के बारे में देखते हैं कि इंडिविजुअल डोमेन क्या करता है. सो द एन टर्मिनल डोमेन इज कॉजिंग डाइमर फॉर्मेशन. ओके, स्टेट के अंदर जो है फर्दर अभी आगे आगे जब हम इसका पूरा पाथवे देखेंगे तो वहां देखेंगे कि डाइमर बन रहा है. तो डाइमर जो एन टर्मिनल है वो डाइमर बनाने में हेल्प कर रहा है. सो इट स्टार्ट द डाइमर फॉर्मेशन. देन कॉइल्ड कॉइल जो डोमेन है इट हैज अ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फर्स्ट वन इज डाइमराइजेशन टैग एंड विच टैग द डाइमराइजेशन. एंड देन फर्दर वी हैव एनएलएस डोमेन जो कि एनएलएस डोमेन क्या है. डाइमर फॉर्म होने के बाद में डाइमर विल मूव इनटू द न्यूक्लियस. सो दिस इज अ न्यूक्लियस लोकलाइज सिग्नल. सो न्यूक्लियस को जो है वो सिग्नल देगा कि डाइमर विल मूव इनटू द न्यूक्लियस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनएलएस डोमेन. देन फर्दर वी हैव अ डीएनए बाइंडिंग साइट. सो डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या करता है, जब भी स्टेट का जो डाइमर है वो फर्दर मूव करेगा तो उसको डीएनए से बाइंड करवाएगा. सो इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस. देन फर्दर वी हैव एसएस2 डोमेन. सो एसएस2 डोमेन हमारे पास में क्या है, स्टेट के अंदर इट डॉक द स्टेट टू द फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू. सो ये फास्फोराइलेट करेगा टायरोसिन रेसिड्यू को. एंड देन फर्दर वी हैव अ जीन एक्सप्रेशन बाय द सी टर्मिनल ट्रांस एक्टिवेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टेट स्टेट. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. नाउ मूविंग ऑन द ड्रग्स विच आर एक्टिवेट बाय दिस पाथवे. ये हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि जैक स्टेट ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट पाथवे को फॉलो करती हैं. सो देखिए हमारे पास में चार तरह की ड्रग्स हैं जो कि जैक स्टेट पाथवे को फॉलो करती हैं. दीज आर व्हाट, इंटरफेरॉन, देन prolactin, then cytokines, and then growth hormones. So देखिए आप इसको बहुत ही आसानी से learn कर सकते हैं. There is a trick to learn these drugs. The trick is what in the IPCG. IPCG को आप learn कर सकते हो. इंडियन, पी मतलब फार्मा कॉपिया, सी मतलब कमीशन एंड जी मतलब ग्रोथ. सो देखिए आज के टाइम में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है. आज़ादी से लेकर अब तक जो इंडियन फार्माकोपिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है. तो ये इस टर्म को आप याद रख सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ग्रोथ. तो इसी से चार ड्रग हमें याद हो जाएंगी. इंडियन से हो जाएगा इंटरफेरॉन, फार्माकोपिया से हो जाएगा प्रोलैक्टिन, कमीशन से हो जाएगा साइटोकाइन एंड ग्रोथ से हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन. सो यहाँ पर जो बच्चे नीट पीजी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या नाइपर और जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जामिनेशन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर फॉलो द जैक स्टेट पाथवे. ओके, सो यू विल गेट ऑप्शंस फ्रॉम लाइक ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो जैक स्टेट पाथवे फॉलो कर रहे हैं, जबकि ग्रोथ फैक्टर जो है वो टायरोसिन काइनेज पाथवे को जो फॉलो कर रहे हैं. इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ये बताया था कि ग्रोथ, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रोथ हार्मोन तो जो है जैक स्टेट पाथवे को फॉलो कर रहे हैं और ग्रोथ फैक्टर जो है टायरोसिन काइनेज पाथवे को फॉलो कर रहे हैं. तो एग्जामिनर बच्चों को यहीं पर कंफ्यूज करता है. सो यू हैव टू लर्न हार्मोन जो है हमारे ग्रोथ हार्मोन जो है वो इसमें आएगा और ग्रोथ फैक्टर टायरोसिन काइनेज में जाएगा. ओके, सो ये चारों ड्रग्स जो है आपको, चारों तरह की ड्रग्स आपको लर्न करनी है कि ये जैक स्टेट पाथवे फॉलो करती है. अब देखिए कि पाथवे कैसे स्टार्ट होगा, पाथवे कैसे इनिशिएट होगा. सपोज करिए इसमें से कोई भी एक ड्रग ले लेते हैं, लाइक साइटोकाइन वी हैव टेकन. दिस इज व्हाट अ साइटोकाइन एंड दिस इज हियर वी हैव अ जैक. सो व्हेनेवर दिस इज बाइंड रीच टू हियर, सो look at this, this is the structure of a cytokine suppose. So now cytokine is attached to this structure. Okay,
साइटोकाइनेज अटैच टू दिस स्ट्रक्चर. अब जैसे ही साइटोकाइन इस स्ट्रक्चर से अटैच होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे. इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे एंड दे कम टुगेदर. ओके, दे कम टुगेदर, दीज आर व्हाट, जैक. तो देखिए क्या हो रहा है, साइटोकाइन जो है वो रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है. एक्स्ट्रासेलुलर बाइंडिंग डोमेन है, ड्रग का बाइंडिंग डोमेन है. साइटोकाइन यहां आकर बाइंड कर रहा है. साइटोकाइन बाइंड करते ही रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर है, जैक बाइंडिंग रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा एंड इट एक्टिवेट जैक बाइंडिंग साइट. एंड वॉट इट विल डू, इट विल इनिशिएट फॉस्फोराइलेशन ऑफ द जैक साइट. सो जैक्स वन जैक साइट कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस साइट एंड दिस साइट कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस साइट. ओके, सो वाइस वर्सा, एक फर्स्ट जैक साइट जो है दूसरे जैक बाइंडिंग डोमेन का जो है फॉस्फोराइलेशन करेगी, और ये वाला साइट जो है इस अनदर जैक साइट का फॉस्फोराइलेशन करेगी. देन सेकंड, व्हाट हैपन इन द सेकंड स्टेप, सो दिस इज फॉस्फोरिलेटेड ओवर हियर ऑलरेडी, दिस इज फॉस्फोरिलेटेड ओवर हियर ऑलरेडी. नाउ दिस विल डू फॉस्फोरिलेशन एट दिस साइट एंड दिस विल डू फॉस्फोरिलेशन ऑट this side. Clear? So now they activated, they do phosphorylation over here. Clear? So दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि दो डोमेन है हमारे पास में जैक के अंदर. ओके, सो ये phosphorylation साइट पर, यहां पर देखिए ये phosphorylation हो गया है. ओके, और जैक ऑलरेडी phosphorylated हो गया है. सो phosphorylation कंप्लीट हो गया. नाउ जैक दिस रिसेप्टर इज एबल टू connect with the SS2 state domain. तो अब यहाँ पर जो है state जो है वो active हो जाएगा. देखिए क्या होगा, this is already having p phosphorylation, this site already having a phosphate domain. Now we have a state, we have a what, state, and this is also having a p domain. Okay, and here we have another state, and this is what p. Now these, this will come at this side and this is, this will come at this side. So what happened, this come at this side, stat 1. This is what stat 1 and phosphorylation. This is what stat 2 and this is. So, ab yahan par kya ho jayega? They connect with this receptor. Then further what happened? Now this state will dissociate from this structure. And then these both jo state hai wo further activate ho gaye. And they form the dimerization. So, yahan par jo स्टेट है, स्टेट वन एंड दिस इज व्हाट फॉस्फोरिलेटेड यूनिट एंड दिस इज व्हाट स्टेट टू एंड दिस इज व्हाट फॉस्फोरिलेटेड यूनिट. नाउ दिस स्टेट विल फर्दर मूव इनटू द न्यूक्लियस, this will move into the nucleus. So this is what nucleus. So dimer is here, dimer is move into the nucleus. So this dimer is moving into the nucleus, state 2, and then state 1 and this is what p site, and then they cause further they cause transcription and then they cause gene expression. So by gene expression they cause various kind of
एक्टिविटी लाइक साइटोकाइन, साइटोकाइन जो है वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, लाइक दे आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन, साइटोकाइन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी. अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें सो ग्रोथ हार्मोन दे कैन ऑल्सो कॉज ग्रोथ, क्लियर. सो दे कैन डू मल्टीपल काइंड ऑफ एक्टिविटी. अब आप यहां पर देखिए ये जो डाइमर बन रहा है, डाइमर दोनों तरीके का हो सकता है, डाइमर मे बी होमोलोगस और डाइमर मे बी हीट्रोलोगस. होमोलोगस का मतलब ये है कि अगर दोनों ही स्टेट जो हैं सेम हो, स्टेट दोनों ही स्टेट वन वन हो, और अगर हीट्रो में क्या होगा, एक स्टेट वन है और एक स्टेट टू है. मींस अगर दोनों स्टेट सिमिलर है तो वो होमोलोगस डाइमर बनेगा, और अगर दोनों स्टेट डिफरेंट है तो वो हीट्रोलोगस डाइमर बनेगा. ओके एवरीवन, सो आई एम जस्ट समराइजिंग दिस वन. देखिए स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, जैक की स्ट्रक्चर क्या है और स्टेट की स्ट्रक्चर क्या है. तो यहां पर हमारे पास में जो है जैक बाइंडिंग रिसेप्टर है और उसमें जैक को बाइंड करने का स्पेस है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर समझा ही दी है. स्टेट में भी हमारे पास में पांच डोमेन है, उन पांचों डोमेन का अलग अलग वर्क है. तो ये डाइमर फॉर्मेशन का वर्क करता है, एंड टर्मिनल और इस तरह से सभी टर्मिनल्स का वर्क मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है. तो जैसे ही क्या होगा, साइटोकाइन या इनमें से कोई सी भी ड्रग, चाहे साइटोकाइन हो इंटरफेरोन हो, जैसे ही ड्रग बाइंड करेगी इट विल डू कंफर्मेशनल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, इट विल डू कंफर्मेशनल चेंज इन स्ट्रक्चर. ओके, और कंफर्मेशन चेंज होने के बाद में सबसे पहले फर्स्ट जैक का फर्स्ट वाला फर्स्ट जैक विल फास्फोलेट अनादर जैक एंड देन अनादर जैक फास्फोलेट द फर्स्ट जैक एंड देन फर्दर जब जैक का फास्फोलेशन होगा तो फिर वो जैक बाइंडिंग रिसेप्टर पर जो फास्फेट साइट फास्फोरिलेशन साइट है उसका फास्फोरिलेशन होगा. एंड देन जब दोनों जगह फास्फोरिलेशन हो जाएगा तो जो रिसेप्टर है वो स्टेट को कनेक्ट करने के लिए एक्टिव हो जाएगा. सो देन स्टेट विल बाइंड टू दिस साइट एंड देन पर यहां पर स्टेट जो होगा वो डिसोसिएट होगा और फर्दर यहां पर क्या होगा, डाइमर फॉर्म होगा, डाइमर फिर फर्दर न्यूक्लियस के अंदर मूव होगा एंड देन दे कॉज जीन एक्सप्रेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट पाथवे. यहां पर आपको देखिए क्या इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस याद रखना है कि टायरोसिन काइनेज पाथवे से और जैक स्टेट पाथवे में क्या क्या डिफरेंस है. तो आपको ये याद रखना है कि टायरोसिन पाथवे में कौन कौन सी जो ड्रग्स थी, जैसे कि इंसुलिन था वहां पर और ग्रोथ फैक्टर्स थे, नर्व ग्रोथ फैक्टर और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वो वहां पर वर्क करते, जबकि यहां पर जैक स्टेट पाथवे में इंटरफेरॉन प्रोलैक्टिन साइटोकाइन और ग्रोथ हार्मोन वर्क कर रहे हैं. तो इस पर क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर देता है. देन रेस्ट ऑफ द दिस इज द मैकेनिज्म. ओके एवरीवन, ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी हो आप, जैसा भी आपको लगा हो और जो भी डाउट हो आप वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. ओके, थैंक यू एवरीवन.